नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है ये बहुत सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश और पूरे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली से चंद किलोमीटर की दूरी पर अगर किसी व्यक्ति को, उसके परिवार को हमला किया जाए, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसका बेटा गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हो, 70 साल की बुज़ुर्ग महिला पर अटैक हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरे इलाके में एक अफवाह फैलाई गई और अफवाह फैला के कहा गया कि वहाँ पे बीफ खाया जा रहा है, इसलिए वहाँ हज़ारों की भीड़ इकट्ठा कर ली जाए, पीट पीट कर मार दिया जाए, ये जघन्य अपराध है। और सिर्फ अपराध नहीं है बल्कि ये हिंदुस्तान को तोड़ने की एक तरीके की साजिश भी है। और मैं ये बात पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जो घटनाक्रम सामने आया है और जो हमारी जांच में भी चीज़ें निकल कर आई हैं, उस गांव में इस तरीके का कोई माहौल सांप्रदायिक ना पहले था और ना इसका कोई इतिहास मिलता है। वो परिवार बहुत लंबे समय से वहाँ रह रहा था, आस पड़ोस के लोगों से, गांव के लोगों से, समुदायों के बीच में सौहार्द था। हमारे पास ये भी जानकारी है कि जिस बुज़ुर्ग की हत्या की गई है उसका, उनका इतना सम्मान था गांव में कि लोग कोई उनको तुम कह के नहीं बात करता। ऐसे में कुछ लोग पूरे मामले को भड़काते हैं और इस बात के सबूत अब सामने आ रहे हैं कि दो लड़के मंदिर में गए, मंदिर के पुजारी को जगाया, उसको विवश किया कि वो मंदिर से ऐलान करवाए कि बीफ खाया जा रहा है। व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजे गए, तस्वीरें भेजी गईं, लोगों को इकट्ठा किया गया, भड़काया गया और उसके घर पे हमला हुआ, बुज़ुर्ग को पीट पीट कर मार दिया गया, उसके बेटे की स्थिति बहुत क्रिटिकल है, उनकी माँ की हालत भी ठीक नहीं है और वो मासूम सी बच्ची कैसे कह रही है, ये कहते हुए भी रोंगटे खड़े होते हैं। मासूम सी बच्ची कह रही है कि अगर कल ये पता चल जाए कि वो बीफ नहीं था बल्कि गोश्त था तो क्या मेरे पापा को वापस ले आओगे। वो लड़की सवाल कर रही है, इसका जवाब क्या कोई देगा। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले को जिस तरीके से बीजेपी एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है, वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इस पूरे मसले पर महापंचायत करेंगे। अगर आप देखें तो बिल्कुल यही घटनाक्रम 2014 के चुनाव के पहले अगस्त सितंबर के महीने में 2013 में मुजफ्फरनगर में हुआ था। इसी तरीके से अफवाह फैलाई गई थी, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजे गए थे, सोशल मीडिया पर मैसेजेस भेजे गए थे और एक सज्जन जो आज केंद्र के अंदर मंत्री हैं, उनका संगीत मंत्री हैं, उनका बाकायदा उसमें नाम आया था, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी और उसी तरीके से माहौल बिगाड़ा गया था जिसमें बाद में कई लोगों की मृत्यु हुई, हज़ारों लोगों को बेघर होना पड़ा था। देश के प्रधानमंत्री सिलिकन वैली जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की एक दूसरी तस्वीर पेश करते हैं, लोगों से कहते हैं कि आप हिंदुस्तान के अंदर आइए और अपना निवेश करिए और उन्हीं प्रधानमंत्री के कार्यालय और निवास से चंद किलोमीटर की दूरी पर इस तरीके की वारदात होती है और उनकी पार्टी के लोग इसको जस्टिफाई करने का काम करते हैं।
जस्टिफाई करने का काम करते हैं, और उनकी कैबिनेट में बैठे हुए एक शख्स जिनकी जिम्मेदारी है देश की संस्कृति को बेहतर करना, वो खुद जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो स्वतः सिद्ध है, जिसके बारे में सबको जानकारी है। कैबिनेट में बैठे हुए मिनिस्टर महेश शर्मा जी इस पूरे मसले को कहते हैं कि कंफ्यूजन में ऐसा हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग में ऐसा हो गया। यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि यह लगता है कि बीजेपी एक बड़ी साजिश के साथ इस देश के अंदर नफरत का एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहती है, और ये बिल्कुल उसी तरीके का माहौल कश्मीर से कन्याकुमारी तक बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे कि महात्मा गांधी के हत्या के ठीक पहले बनाया गया था। और इसी के मुतल्लिक उस वक्त गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने, जिनकी चिट्ठी मेरे पास मौजूद है, कि उन्होंने आरएसएस के प्रमुख गोलवलकर को कहा था कि जो हिंसा का माहौल आप लोगों ने बनाया, जो नफरत का माहौल बनाया और जिस विचारधारा को लेकर आप चल रहे हैं, उसकी वजह से गांधी जी की हत्या की गई। जिस शख्स इखलाक की जो हत्या हुई है, इस बारे में मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि न केवल महेश शर्मा को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए, बल्कि अपने उन तमाम नेताओं को ये ताकीद करें कि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। जो मंत्री कानून के मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नेता बीजेपी हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो पार्टी के स्तर पर। और इस पूरे मामले में जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इस घटना की गंभीर निंदा करती है। हम उत्तर प्रदेश के गवर्नर से इस बारे में मिलेंगे, हमारी उत्तर प्रदेश की यूनिट वहाँ जा रही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, साथ ही साथ हमारी एक टीम इस पूरे घटनाक्रम का दौरा करने के लिए जाएगी। मैं फिर आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये बहुत गंभीर मसला है। इस देश में अगर किसी आदमी का कत्ल सिर्फ इसलिए हो जाए क्योंकि वो क्या खाए और क्या ना खाए, कल मेरा कत्ल इस आधार पर हो जाए कि मैं ये चीज़ खा रहा हूँ और आपको पसंद नहीं है, तो ये बात ठीक नहीं है। इसको धर्म, देश, राजनीति, समाज, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, इन सबसे ऊपर उठकर हमें इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, और जो जो लोग इसके लिए इसमें के लिए जिम्मेदार, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र में बैठे हुए महेश शर्मा जी के खिलाफ को उनको सैक किया जाए।